में क्या एक बेहतरीन सा नेटफ्लिक्स का सीरीज होल्ड योर ब्रेथ द आइस टाइप द वुमेन स्पेशल स्टोरी ऑफ ड्राइविंग द स्विमिंग विद द आइस स्नो आइसबर्ग एक बेहतरीन सा कंटेंट भाई लिटरली नेटफ्लिक्स भाई लिटरली हम रोक नहीं सकते नेटफ्लिक्स को एक बहुत अच्छी कंटेंट बनाने से रोक नहीं सकते और नेटफ्लिक्स जो डिलीवर करता है ना वो बाकी के ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ही बड़ा एक लेजेंडरी सवाल है कि आखिर कैसे इंडिया में वो डेवलप नहीं कर पा रहा है, उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी नहीं लगाई कि इंडियन लोग को पसंद नहीं आ रहा बिकॉज इसकी कॉन्टेंट जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो बाकी लोग इंडियंस को क्या हुआ है उसमें लाया इन्होंने होल्ड योर ब्रेथ जो आ रहा May 3rd को। तो भाई लिटरली मेरे बर्थडे के कुछ पहले 4-5 दिन पहले आ रहा है। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये है कि मेरा बर्थडे अगले मई में आ रहा है, तो आपको बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दिखने वाला है मेरे रिलेटेड और बहुत अच्छा कंटेंट दिखने वाला है बिकॉज मेरा बर्थडे और टेक्नोलॉजी का बर्थडे सेम डे थे। तो भाई एक लिटरली एक फैन बेस क्रिएट होने वाला है होल्ड योर ब्रेथ आइस ड्राइव के जो ट्रेलर था उसके साथ बहुत सारे राज खुलने वाले बिकॉज वुमन स्पेशल है, वुमन जो हार्ड कोर बन के डिफिकल्टी टाइम्स पर और कहाँ ड्राइव मार रहा है भाई आइस के अंदर आइस ड्राइव मतलब समझ लो तो -50 डिग्री टेम्परेचर में वहां ड्राइव मार रहा है विद स्विमिंग सूट। तो भाई लेजेंडरी फील होता है भाई, एक अपना अंदर एक बिल्डअप क्वालिटी बनाने की जरूरत है और एक टू दी पॉइंट हिट करता हुआ ये कंटेंट आपको बिल्डअप क्वालिटी बनाने पे मजबूर कर देगा, एक टू दी पॉइंट आपको कंटेंट बेमिसाल कर देगा और फिर आप उसके बाद कहेगा दिस वाज द ऑसम एंड ब्यूटीफुल कंटेंट हैपेंस इन अ सिंगल टाइम। तो कैसे लगा होल्ड द ब्रेथ दैट आइस ड्राइव के ट्रेलर कमेंट करके जो बताइएगा, वीडियो से हम डिस्क्राइब कीजिए से हम लॉस मिलते हैं। बाय बाय।